भाई लीच घुस चुकी है ये देखो। इस चार्ली शिया से आवे पट जा। रखेंगे इसको ताकि वेजिटेबल अच्छे से उबल जाए। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। क्या अमेजिंग मैगी है यार। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। यहाँ पे हमने अभी रात को कैंपिंग करी, रात का एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा था, थोड़ा सा डरावना भी था बट मज़ा आया यहाँ पे। और हम लोग आ गए इस टेंट में, सबसे बड़ी बात तो यही है। और अभी मॉर्निंग का व्यू दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ से। सी ऊपर सब जगह बादल लग चुके हैं, और इधर से दिखाता हूँ मैं आपको ऊपर, देखो यहाँ से। सो अब दीपक बताएगा रात के कैंपिंग का क्या एक्सपीरियंस रहा। और ये स्पेशली मतलब बंदा दो दिन तीन दिन के लिए छुट्टी लेके आता है सिंगापुर से हमारे साथ ट्रिप करने के लिए। सो अभी हमने यार सेकंड टाइम कैंपिंग करी है यहाँ पे ना, सेकंड टाइम मतलब नहीं, फर्स्ट टाइम कहीं और की थी राजस्थान में, अब सेकंड टाइम यहाँ पे कैंपिंग करी है। सो कैसा लगा अभी तेरे को? बहुत अच्छा लगा यार, बहुत अच्छा मज़ा आया, बहुत अच्छा व्यू था, सुकून मिला बहुत। मतलब जो भी लॉन्ग ड्राइव करके आए थे कल सारी थकावन मिट गई थी हमारी, बहुत मजा आया, नींद भी जबरदस्त आई ना। स्पेशल थैंक्स टू पहाड़ी ट्रैवलर, थैंक यू, थैंक यू, उसने सब कुछ अरेंज कर रखा था बहुत अच्छे से। थैंक यू सो मच भाई, थ्री चीयर्स। सो अब बनेगी सुबह की चाय, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस पानी उबालना है और अपनी पानी उबाल के अपने पास जिंजर टी है रेडीमेड, बस। सो अभी बन रही है चाय, और उसके बाद नीचे फॉल पे जाने का इनका मन हुआ है कि फॉल पे जाएंगे, वहाँ जाके देखते हैं कुछ मैगी शैगी बनाएंगे। अभी तो यह है कि मौसम थोड़ा अच्छा है, बादल ऊपर ऊपर लगे, बादल आ रहे हैं जा रहे हैं, मॉनसून सीज़न तो चल ही रहा है, वैसे हवा चल रही है ना थोड़ी, यहाँ से कोई बैठ जाता ना तो सही रहता। अब ये लोग वहाँ पे आ गए आराम से मज़े कर रहे हैं, चाय मेरे को बनानी पड़ रही है। सो दोस्तों अभी क्या प्लान बनाए तो बता दो। अभी हम जा रहे हैं वाटरफॉल, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर गाड़ी से और 1.5 किलोमीटर वॉकिंग करके और ट्रैकिंग करके है, लेकिन इनकी हालत को देख के लगता नहीं कि हम ट्रैक कर पाएंगे, तो हम जाएंगे गाड़ी से। गाड़ी कुदानी पड़ेगी, दीपक अपना है ही हैवी ड्राइवर, ये कहीं भी कुदा देता है गाड़ी। सो यार अभी देखेंगे, अब सब इस पर डिपेंड है भाई। चाय बहुत टेस्टी थी, चाय तो मतलब ऐसा लग रहा है कि भाई ये चाय हमें नहीं मिलती, चाय सच में बहुत सही है, जिंजर टी है ना, चाय बहुत अच्छी है भाई, मज़ा आ गया। और चाय चाहिए जा ले लेना वहाँ से, हाँ, जा ले ले थोड़ी सी बढ़िया करके ले। अबे सुबह सुबह क्या बंदी है, भाग गई क्या सबकी, मुझे समझ में नहीं आ रहा। वाटरफॉल की बात हो रही है ना। सो फाइनली हमने गाड़ी पार्क कर दी पीछे, और अभी हम वाटरफॉल की लोकेशन पे पहुंच गए हैं। यार यहाँ पे काफ़ी सारे रिजॉर्ट बने हुए हैं सब जगह पे, पंगोट से थोड़ा सा और आगे आ गए हम, 2-3 किलोमीटर आगे, यहाँ पे इनका लोकल फॉल है। देखो काफ़ी गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हो रखी है, मतलब नीचे काफ़ी लोग मिलने वाले हैं। लोकल फॉल हमेशा अच्छा ही होता है यार, क्योंकि थोड़ा सा आउटस्कर्ट है और लोग भी कम है, सो मज़ा आएगा। और पीछे वेदर देखो यार, क्या ही बोलूँ मैं इनके बारे में, आई एम स्पीचलेस। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दी फॉल, ये एक रास्ता कटता है यहाँ से, मैं आपको बोर्ड दिखाता हूँ यार, बोर्ड दिखाना पड़ेगा है ना, क्योंकि साइन आ जाएगा ना यहाँ पे, अगर आप पंगोट से आगे आओ वाटरफॉल के लिए तो। देखो ये बोर्ड है, ग्रीन वैली कैंपिंग एंड एडवेंचर पंगोट नैनीताल, ये पंगोट ही पड़ता है, और ये रास्ता कटता है अपना फॉल के लिए, ठीक है। तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए ये रास्ता देख लो और आ जाओ यार, खूबसूरत जगह है यार, खूबसूरत। रास्ता देख रहे हो, चढ़ने में मज़ा आएगा, चढ़ने में डबल आएगा, ऑब्वियस ही बात है।
ये 1 किलोमीटर का ट्रैक है बस, 1 किलोमीटर नीचे रोड से नीचे तक 1 किलोमीटर बस। बट ये रास्ता थोड़ा सा नैरो है, इसलिए धीरे धीरे चलना पड़ेगा और ऊपर आते समय थोड़ा सा थक जाएंगे, बट मज़ा आएगा। पूरा फॉरेस्ट एरिया आ चुका है भाई, ये स्टीप नीचे जा रहा है रास्ता। क्या जगह है देखो। और अभी हम यहाँ पे खुद का इतना सामान लेके आए हैं, खुद की मैगी बनाएंगे और जो लोग खाना चाहता है उसको भी भेज देंगे मैगी 200 रुपए की, तो क्या दिक्कत है। वाह यार वाह, मज़ा आ गया, एक नंबर एक नंबर। सो फाइनली पीछे फॉल आ चुका है और फॉल भी थोड़ा सा और ऊपर जाना पड़ेगा, बट हम आसपास ही बैठेंगे आराम से क्योंकि ज़्यादा और हाइट पे नहीं चढ़ना, फालतू में पत्थर वत्थर गिरने का डर रहता है ऊपर से ना, इसीलिए थोड़ा सेफ रहो और अच्छे से करो अपना ट्रैक है ना भाई। अरे पैस के ऊपर भी चढ़ गया है भाई, लीच घुस चुकी है ये देखो। इसे हटा दो पहले। ओह माय गॉड, चार्ली शिया था, अबे पड़ गया। क्या हो रहा है भाई, अबे मैगी मसाला डाल, मैगी मसाला निकल पहले। इधर 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 भाई, अबे क्या खून चुसवा रहा है भाई, देखो इसके लीच चिपक चुका है। अबे तू बोलो ये देख कितना बड़ा है। हां बहुत बढ़िया, ऐसे कर रहा है। इतने कैसे आ रहा था तू यार। तभी तो जंगल कहते हैं इसे, झरना बोल के लाए थे, जंगल बोल के नहीं। भाई ये देख रहे हो क्या करते हैं ये, खून चूसते हैं सबके, लीच घुस गई है भाई। पैंट वेंट उतार दो सब, मैं बता रहा हूँ यार, क्या गलत जगह घुस गई ना। कहाँ आ गए भाई हम, बता दे कितने रुपए प्लेट बेच रहा है। 200 रुपए भाई। भैया डीजल ट्रांसपोर्ट सब मिला के 500 रुपए कह रहा है। अरे मजाक कर रहे हैं। तो थोड़ा सा वेजिटेबल डाल दिया मैंने इसमें, अभी थोड़ा सा उबलने के लिए रखेंगे इसको ताकि वेजिटेबल्स अच्छे से उबल जाए। तो मैगी अपनी बन गई है, ये देखो खूबसूरत मैगी, और व्यू देखो भाई साहब। खुशबू आ रही भाई, हो भाई बहुत मस्त आ रही है, यहाँ तक आ रही है, दूर खींचेगा। तो मैगी बन गई है और खान सामा कभी अपनी मैगी खाते नहीं है, तो बना के खिलाया बस। कैसी लगी आप लोगों को, बहुत मस्त है भाई, बहुत मस्त है। मैगी कैसी लगी, थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करना है सबको, एक चम्मच और दे देना मैगी का, यही रेट है। अब मैगी का होने वाला है। ये देखो पानी उबल रहा है और अब ये मैगी हमारे लिए बनेगी। हमारे साथ थोड़े मेहमान आ गए थे तो उनको भी मैगी खिलानी पड़ी, बच्चे भी थे उनके साथ, तो हमने एक बना के मैगी उनको दे दी। अब ये वाली मैगी अपनी होगी और वो लोग भी जा रहे हैं, तो सेकंड मैगी भी बहुत ही टेस्टी बनी है यार, मज़ा आ गया। पैक भी करना पड़ेगा, कूड़ा भी उठाना पड़ेगा क्योंकि पहाड़ में कूड़ा नहीं होना चाहिए यार, जितना हो सके अपना कूड़ा अपने साथ होना चाहिए, और हो सके तो यहाँ पे आसपास कूड़ा है वो भी उठा के ले जाएंगे। और ये देखो यहाँ पे थोड़ी सी गंदगी हो गई, लेकिन अभी दिखाऊंगा मैं, सारा साफ़ करके जाएंगे हम क्योंकि आई लव माउंटेन। क्या अमेजिंग मैगी है यार, सीरियसली बहुत फाड़ है भाई, ये सारी मार्केट फील है। पानी और पानी यही जो झरने का पानी है उसी से बनाया है, पानी कमाल है, क्या टेस्ट है, बहुत सुमित सीरियसली बहुत अच्छा बनाया सुमित, उम्मीद नहीं थी, अमेजिंग बिल्कुल भी। हमें पता था तू बनाता है लेकिन मैगी बनाता था ही नहीं पता था। वैसे मैं जब भी बनाता हूँ गंदी बनती है, बट दिस इज वेरी गुड, पहाड़ों में सच में बहुत अच्छे बनते हैं, दिस वेरी गुड, रियली वेरी गुड।
आई एम ऑल्सो सरप्राइज. ये सुमित प्लेट्स वगैरह उठाते हुए सारा जो कूड़ा फैलाया था वो सब साफ कर रहे हैं. और ये दो लोग अपना काम कर रहे हैं जो करने आए थे. साफ हो गया. सो वहाँ पे भी सब क्लियर, ऑल क्लियर. सारा कूड़ा उठा लिया है, पहाड़ जैसे थे वैसे ही छोड़ दिए. तो किसी को जगह के बारे में जानना है तो पूछ सकता है. वैसे तो मैंने सारी वीडियो में बता ही दिया है सारे इन्फॉर्मेशन. सो फाइनली वी रीच्ड आवर डेस्टिनेशन. रोड पे हम पहुंच गए हैं और काफ़ी टाइम लग गया ऊपर आने में. दो बंदे अपने ढेर हो गए, बट मज़ा आया काफ़ी. और ये वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं. होप सो गाइज आपको मज़ा आया होगा इस वीडियो में. और मज़ा आया होगा तो यार सब्सक्राइब भी कर देना. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय, शब्बा खैर और हैव अ गुड डे. नेचर को एंजॉय करो, घर में जो बैठे हुए हैं उनके लिए खासकर. जिम जाओ, फिट रहो या जॉगिंग करो, और बहुत सारे स्क्वाट्स करो. फिर ट्रैकिंग का सोचना वरना फट जाएगी. ऐसी नंगा घूमोगे फिर. ठीक है, जय हिंद.